ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ये है रुद्र मंत्र। मान्यता है कि ये मंत्र शिव जी तक आपकी सभी मनोकामनाएं पहुंचाता है। जय महाकाल। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री और सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत में भगवान शिव को पूजने वाले भक्तों की संख्या हजारों लाखों में है। कहा जाता है कि सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान करने वाले भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना बहुत जल्द पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ के व्यक्तित्व के कई रंग है, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। जाहिर है यहाँ माँ शिवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। 8 मार्च को शिवरात्रि है, लेकिन यहाँ उज्जैन में 1 मार्च से ही शिवरात्रि का उत्सव शुरू हो चुका है। इस दौरान 9 दिन तक बाबा महाकाल का श्रृंगार अलग अलग रूपों में किया, यानी कि शिव भक्त भोलेनाथ के 9 रूपों के दर्शन करते हैं। कहते हैं 9 दिन के लिए भगवान शिव को दूल्हा बनाया जाता है। इस दौरान उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के दरबार में 8 मार्च को महाशिवरात्रि बनने वाली है, उसके लिए पूरी तैयारी जोर शोर से मंदिर समिति और मंदिर के पुजारी पुरोहित परिवार कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस साल महाशिवरात्रि के लिए काफी बड़े जश्न का आयोजन किया है, जिसके लिए पूरी उज्जैन नगरी और खासकर महाकाल के मंदिर को फूलों और जगमगाती रोशनी से सजाया गया है। माना जा रहा है कि इस साल महाशिवरात्रि पर 10 लाख भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँच सकते हैं। देश के अलावा विदेशों से भी श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचेंगे। इसको लेकर भव्य तैयारी उज्जैन में की गई है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसके लिए मंदिर समिति द्वारा एक अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ ही कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करें, ऐसी व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रदान करने का पूरा पूरा प्रयास करा जा रहा है। बाबा महाकाल की कृपा से जो भी श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन लाभ प्राप्त करने आएंगे, और ऐसा अनुमान है कि 10 लाख बाबा के भक्त बाबा के दर्शन लाभ लेने आएंगे, तो उनको जल्दी से जल्दी दर्शन हो, कम समय में दर्शन हो और सुगमता से दर्शन हो, ऐसी सारी व्यवस्था यहाँ पे करी जा रही है, ताकि श्रद्धालु को आधे घंटे 30 मिनट में दर्शन लाभ मिल जाए और दर्शन लेके वो उज्जैन से वो बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेके उनके घर पे जाए। महाकाल मंदिर में 8 मार्च को 24 घंटे दर्शन करने का सिलसिला चलेगा। महाशिवरात्रि पर्व के अगले दिन यानी कि 9 मार्च की सुबह सप्त धान्य यानी कि चावल, मूंग, तिल, मसूर, गेहूं, उड़द महाकालेश्वर को अर्पण किया जाएगा। महाभोग महाआरती के बाद सहरा दर्शन शुरू होगा। फिर वर्ष में एक बार होने वाली दोपहर की भस्म आरती दोपहर 12 बजे होगी। सुनने में आया है कि इस बार 3 क्विंटल फूलों का सहरा चढ़ाया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।